गुजरात आना हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मतलब हम तो काफी टाइम से आ रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं आपको? हाँ जी, हम तो काफी टाइम से आ रहे हैं, मतलब ब्रामिना जब लिखी थी तब भी आए थे और अभी भी आए हैं, तो पहली लिखी हुई फिल्म भी यहीं पे थी और पहली मतलब जो बनाई है वो भी यहीं पे थी। रामलीला, कबीर सिंह, एनिमल मूवी, सबके बहुत ही ब्यूटीफुल राइटर्स है सिद्धार्थ और गरिमा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप गुजरात आए हो, आप लोगों से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब मूवी दुकान जिसका नाम है दुकान मूवी, अगर डिफरेंट स्टेट में हम लोग डिवाइड करें तो अलग अलग स्टेट में किसकी दुकान खुली है, किस चीज, तो मैं आपको बता दें, पहले आप गुजरात में आए हो, मुझे सबका आंसर चाहिए, ओके? सो गुजरात में किसकी दुकान खुली चाहिए? गुजरात का आई थिंक कलर्स की दुकान खुली चाहिए, रंगों की, क्योंकि इतना वाइब्रेंट और इतना रंगीन शहर है, तो यहाँ पे कलर्स की दुकान खुली चाहिए, और सरोगेट की तो है, जो है वो तो वही है, अमूल की इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो वो भी दुकान यहाँ पे चल रही है। गुजरात से अच्छे बिजनेसमैन पूरे देश में मिलने मुश्किल है, तो जिस भी चीज की दुकान यहाँ खुलेगी बहुत चलेगी, दुकान मुझे दे दो है। अभी मूवी के कुछ डायलॉग्स हैं, आई डोंट नो आपको गुजराती आप ट्रांसलेट कर पाओगे या नहीं, बट विल ट्राई, राइट? मूवी से वी विल ट्राई मैम, आप तो बोल ही लोगे, आप ट्राई करेंगे। ओके, आई ओके बच्चे बना के देख लेना। ओके, सो गुजरात आपकी मूवी के कुछ डायलॉग है, आपको गुजराती में ट्रांसलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फेमस डायलॉग, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये सॉन्ग का गुजराती। क्या बात है, क्या बात है, बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, हर एक से नहीं होता, टैलेंट पास। हम सब साथ में रिपीट करते हैं, ओके? द डायलॉग इज, बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, हर एक से नहीं होता, ओके? 3, 2, 1 स्टार्ट। ओके, सो द लास्ट इज अ टंग ट्विस्टर, मजा आवशे नहीं टंग ट्विस्टर मां ना ना, ओके? सो टंग ट्विस्टर आपको गुजराती में मैं आपको देने वाली हूँ, आपको रिपीट ही बोलना है for the 4 times, 3 times, 5 times, whatever you are comfortable. Okay? So the first is Shrutini Putri Kruti. 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 Okay, so that's the half period. So how do you try? Shrutini Putri Kruti. All the Shruti and Kruti out here, we are very, very sorry. Sorry, I'm having a very bad day. Okay, so that's it. Yeah, same. Ah, same. I'm using that. Kruti. Check. Kruti, Kruti.
श्रुति ने पुत्री कृति ओके ओके सर लास्ट वन मोर टंग ट्विस्टर टू क्लास ले रहे हो वैसे क्या हो गया इट्स अ गुजरात अच्छा लग रहा था अहमदाबाद आके ओके गुजरात आया तो थोड़ा कष्ट आपको लेना पड़ेगा ताकि कम से कम बोलो ये याद कर सके ठीक है ओके सूट पर ऊंट पे सूट पर ऊंट स्टार्ट विद सेइंग दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे अहमदाबाद बहुत प्यारा शहर है हमेशा हमें बोले बनाया है बहुत बाहर बोलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव हम लोग दूसरी बार यहाँ पर आके एक इम्पोर्टेंट फिल्म बना रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं हम काम के साथ ऑफकोर्स ये फिल्म एंटरटेन करेगी ऑफकोर्स ये फिल्म के गाने इसके डायलॉग इसके विजुअल्स आप लोगों को बहुत अपील करेंगे और साथ में आप जब घर जाएंगे तो कुछ एक मैसेज लेकर जाएंगे ये भी हमारा वादा है और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे बीच डॉक्टर नैना पटेल जो जिन्होंने जिनके साथ हमारी फिल्म रिसर्च की शुरुआत हुई ये फिल्म बहुत सारी रिसर्च इसके अंदर है मतलब हम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित किया राइटर्स हम ये नहीं करते कि कहीं कुछ मैजिक की और फिर उसकी बात ऐसी अपने मन से बना भी बोली नैना मैम की वजह से हमको मौका मिला उन लोगों से मिलने का जो एक्चुअली सर्विसी करते थे जो जो पहुँचते सर्विसी में इन्वॉल्व थी जो करती थी इसको एज अ प्राउडली एज अ प्रोफेशन एंड वो कपल्स हु वर होपलेस जिनके पास बच्चे नहीं थे जो उनके पास आते थे तो नैना मैम ने दोनों तरफ के लोगों को बहुत कुछ दिया है और हम इस तरह के लोगों को भी बहुत कुछ दिया है इनकी कहानी मिली हमें यहाँ से अच्छी कहानी के बहुत सारे इनके कैरेक्टर्स हैं तो बस तो यही है फिर बाकी तो आप फिल्म जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी कोशिश इसमें ये रही है कि हर तरह का दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू जिसे कहते हैं वो हम दिखा सकें कि एक कपल का कपल को क्या फील होता है जब बच्चे नहीं होते बहुत टाइम तक और सर्विस उनके पास ऑप्शन होता है या फिर वो डॉक्टर का क्या फीलिंग है जो उन कपल्स को मिलती है और उनके इस ड्रीम को सच करने में मदद करती है और उन सर्वेट्स का क्या होता है जो जो बहुत ही एक शायद गरीब परिवार से आते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन से शायद कई लोग आते हैं और उनकी कैसे जिंदगी बदलती है ये सारे दृष्टिकोण आपको पिक्चर में देखने को और जिस तरह से सरकार ने उसके ऊपर बैन लगाया है हमारा उस पर भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको जी फिल्म यही मैं कह रही हूँ कि बहुत कुछ ऐसी है जो आप लोग देखेंगे तो आपको और पता चलेगा उसके बारे में पाचन बहन को और मैं चाहूंगी कि सोहम भी एक बार कमेंट करें उनका जो किरदार है वो उस हमने दोनों तरफ की बात को बैलेंस करने की कोशिश की है एक सर्वे का नजरिया है एक उन पेरेंट्स का नजरिया है जो आते हैं सर्वे के पास उम्मीद से कि उनको एक बच्चा चाहिए अपनी जिंदगी में एक किरदार चाहिए तो उसके बारे में सोहम अपने रोल के बारे में पूछ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर बहुत ही अच्छा लग रहा है अहमदाबाद आपके गुजरात के साथ मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है यस आई डोंट नो हाउ टू स्पीक गुजराती बट मेरे पापा भरूच में काम करते थे इस टाइम पे तो मैं काफ़ी टाइम उधर आता था पापा से मिलने एवरीथिंग इधर के मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है एक ऑनेस्ट फिल्म है कमर्शियल सर्विस एक बैकड्रॉप है बट ये फिल्म बहुत कुछ और भी सेलिब्रेट करता है जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्रेडिट मांगते नहीं हैं क्रेडिट देते भी नहीं हैं तो हम लोग उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं तू आप दुकान जिन लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता जिन लोगों को दुकान से है जिन लोग ये भरे बाजार में चलते हैं लेकिन हम लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं तो वो जो समान दर्जा देने का बात होता है वो दर्जा हम लोग इस फिल्म से दे रहे हैं जो सरोगेट मदर होता है और उसका भी एक उसकी भी एक रिस्पेक्ट सो दैट इज समथिंग दैट वी ट्राई टू एड्रेस थ्रू आवर फिल्म एंड थ्रू माय कैरेक्टर आई वुड नॉट लाइक टू से टू मच इतना ही बोलूँगा एक सेंसिटिव कैरेक्टर है जो काफ़ी सारे सोसाइटी प्रेशर से डील करता है क्योंकि हाई सोसाइटी में ये एक सुपरस्टिशन होता है कि अपना वंश को आगे ले जाने के लिए खुद का ही बच्चा चाहिए सरोगेट बच्चा नहीं चाहिए या अडॉप्टेड बच्चा नहीं चाहिए तो ये जो थॉट है इसको बीट करना है हम लोगों को ये जो सोसाइटल प्रेशर है इसको बीट करना है क्योंकि जो अडॉप्टेड या सरोगेट बच्चा है वो भी खुद का ही है वो भी बहुत ज़्यादा अपना है एक्चुअली वो और भी स्पेशल है तो ये जो थॉट है हम लोग इस फिल्म से सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकी का तो आप लोग रिलीज हुआ है दिया हुआ वंडरफुल कास्ट also over here, which they could be over here with us. Thank you so much, you guys. You guys have been instrumental in promoting our film in Gujarat and otherwise as well. And thanks to all of you to take this time out to support our love.
you so much. And I would like Naira ma'am to say a few words. वो 2014-15 से journey का part है हमारे साथ, तो ma'am please a few words about all that you do and what you have done. First of all, thank you Garima and Siddharth for having me here, and आप सबको भी thank you for being here. मैंने movie नहीं देखी है, मुझे movie की script का इतना ही पता चला from the trailer कि surrogate बच्चे के साथ बात जाती है, which has never happened in Anand or in Maharashtra. We have delivered 1,763 surrogates. It's very positive experience. और आज यहाँ जो surrogates आए भी हैं आपके साथ बात करने के लिए, one couple was coming but last minute there some social issue, I could not come. तो एक तो इन लोगों ने research बहुत किया है, they have given their time during Navratri, everything. So they have researched very well, and I'm sure from the trailer. The actors have acted very well. They are totally connected with the story, and they have been told that this is going to be a really good story. अगर आप simple documentary बना हो तो I'm sure किसी को मजा नहीं आया. तो मसाला तो डालना ही पड़ता है. That's their forte. They have done it. सरोगेट का खुद का एक बच्चा होना चाहिए और पहले से काउंसिल होनी चाहिए ताकि उसका अटैचमेंट बच्चे से ना हो, and that was always the rule. And we followed it, and that's why never an issue. But ऐसा भी हो सकता है. तो वो टाइम थी मीन्स के काम के माध्यम से नाम भुगतान रखा. कई डॉक्टर्स बोले ऐसी मूवी and you are supporting it. ऐसे तो नाम कुछ भी रखो पर अंदर you have to see कि कितने कपल्स हैं जो सफर कर रहे हैं और कितनी अच्छी सरोगेट्स हैं जो उनको मदद करना चाहती है. तो हमको वी हैव टू स्पेंड वन डे इन द लाइफ ऑफ दैट कपल जिसको बच्चा नहीं समझ क्या बोलता है, क्या उनकी फीलिंग्स है, और वन डे इन द लाइफ ऑफ सरोगेट टू अंडरस्टैंड वो भी क्या कैसे गुजर रही है अपनी जिंदगी में, और इस सरोगेसी से उसको फायदा होता है तो वही नॉट. गवर्नमेंट हैज नॉट बैंड सरोगेसी, दे हैव रेगुलेटेड. कानून
यानी सब फैसिलिटी मुझे हॉस्पिटल में मिली है। और जितना ओवर ट्रीटमेंट और सब मैडम ने यहाँ बहुत अच्छा मिला मुझे। और इतना और इतना काम है मैडम के लिए, हमारे लिए तो भगवान है मैडम। मैंने उसका मकान लिया उनके हिसाब से, सर्वेंट बनी हूँ। फिर अभी हाल में भी मुझे हेल्प करते हैं मैडम, सब इससे बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप आओ, सर्वेंट बनना कोई खराब नहीं, अच्छा है वो। और फिर वो पूछते हैं क्या है कैसा है, किसी का बच्चा हमने ऐसे कैसे रख सकते पेट में, ये सब वो भी यानी पूरा मानते हैं सब। और मैं बुरी चीज नहीं है, ये अच्छा है, हम भी किसी की हेल्प कर रहे हैं, हमारे भी मैडम ने किया है, हेल्प किया है, बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल बुरा नहीं, करेंगे तो अच्छा ही है। और बड़े मैं तो खुद भी आगे और बड़े मतलब पॉइंट ऑफ व्यू सर्वे की तरफ का भी हम लोग जानेंगे इस फिल्म के माध्यम से, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यू कभी शायद इस तरीके से सामने नहीं आया। बैंक की दुनिया को देखने के बाद कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे इतनी हैप्पीली सब सर्विस मिल के, हम जब 2015 में गए थे तो हमने देखा एक ही छत के नीचे सब लोग रहते थे और खाना साथ में बना के खाते थे, इन्जॉय करते थे, गोविंद वाली गाने चल रहे थे टीवी पे। सो इट्स अ हैप्पी वर्ल्ड आउट देयर। जो लोगों को एक स्टिग्मा एसोसिएट किया है इसके साथ वो बहुत गलत है। जब वही हमारी फिल्म दिखाने की कोशिश करती है कि ये सब सब तरह से वो भी मीट करती है ये चीज, यू नो, सो दैट इज देयर। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू इंट्रोड्यूस द ब्रिलियंट एक्टर्स ऑफ दिस फिल्म, जो आप इस पोस्टर के अंदर देखते हैं, जिनकी जल्दी को जो हमारे साथ फ्रंट में बैठी है, प्लीज गिव अ मेन गर्ल्स आर टेक योर नेम्स, तारिका त्रिपाठी, प्रिया शाह, एकता बसवानी, विशिषा चौहटिया, सौम्या शंकर, जैनी शाह और अमीरा वगैरह, वो सबने किया है सुरभि बाली। शूट करना बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हम विंटर के महीने में शूट कर रहे थे, एक तो वेदर बहुत अच्छा था, दूसरी बात ये कि हमने जो देखा था उसको हम यहाँ सही तरीके से उतार पाए, क्योंकि मतलब सरोगेसी इंडस्ट्री भी आनंद में ही बेस थी और बसों वहाँ से करी भी है, तो हमने बस उसको थोड़ा सा और ज़्यादा कलरफुल तरीके से दिखाया है, क्योंकि ये एक सिग्मा का माध्यम है, यहाँ सिर्फ एक सच्चाई जैसे डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे, हम एक फीचर फिल्म बना रहे हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से रंगों में ढाला है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बसो एक कैरेक्टर एड करता है, जो फिल्म की लोकेशन है, जैसा कि आप ट्रेलर भी देख रहे हैं, आप अभी आप फिल्म देखेंगे तो आप और वो फुल इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पर गुजरात का कल्चर अभी भी बरकरार है। गुजरात में ऐसे वेरी प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, हमें हर जगह देखने को मिलता है वो ट्रेडिशनल चीज, लेकिन बसों के अंदर कुछ ऐसा था कि लोग अपने घरों के दरवाजे पे कहते थे यार आओ शूट करो, तो वो जो एक प्यार एक कोऑपरेशन हमको ना मिला, और जो इतने खूबसूरत के दरवाजे से लेकर खिड़कियाँ तक, हम तो सिर्फ हर जगह फ्रेम लगा के कैमरा रखते थे और हमें सुनकर शूट पीछे मिलता था। तो Chetan Chauhan from News Delhi. First of all, I would like to congratulate both of you for your first movie as a writer. Thank you. As a writer, you have given very successful movies. What prompted you to become a director? And what you will do after the success, after the completion of this movie as a successful director? Will you continue writing as well as directing, or you will concentrate on first? आपका सवाल था कि व्हाट मेड यू तो सो बेसिकली सरोगेसी इंडस्ट्री ऑफ इट, बिकॉज हमको लगता है हम भी अपने तरीके से राइटर जो होता है लिख के स्क्रिप्ट सब डायरेक्टर को देता है, वो भी सरोगेसी, वो अपनी पाली हुई स्क्रिप्ट जो बहुत 2 साल लगा के लिखता है तो वो उठा के किसी और डायरेक्टर को दे देता है, तो आई थिंक वो भी एक तरह से सरोगेसी है। और फिर ये सब्जेक्ट हमारे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुआ, तो मतलब ये वजह थी। और एक स्क्रीन राइटर के लिए जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके लिए डायरेक्टर बनना एक बहुत ही नेचुरल प्रोफेशन, बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि हम 80% चीज़ को पेपर पे डायरेक्ट कर देते हैं, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन की बात आती है कि हम लोकेशन ढूंढें, कॉस्ट्यूम्स करें, तो इस सब में तो और ज़्यादा ही मज़ा आता है। इट्स लाइक शूट का हमें ऐसा होता है कि हम दिन एक शादी आप सेटअप कर रहे हो जैसे, तो उतना ही काम रह जाता है उसकी बात। So that means you will continue writing as well as directing. Yes, we enjoy doing everything.
राइटिंग सॉन्ग्स राइटिंग स्क्रिप्ट्स तो हम कुछ भी सब कुछ कर रहे हैं वैसा है एंड व्हाई यू हैव गिवन दिस नेम दुकान दुकान नाम इसके रखा सब को एक तंत्र से भले ही हम इसके अंदर हम काफी घुस चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर तो हमारे लिए ये दुकान नहीं हमारे लिए दुकान नहीं पर जो बाहर से इसको देखता है एज एन ऑडियंस जो बाकी पूरा देश इसको देखता है उसको दुकान की तरीके से देखता है तो ये उनके ऊपर एक तंज है कि अगर आप इसको सिर्फ दुकान के नजरिए से देख रहे हैं तो आर्किटेक्चर देखिए फिर आपको समझ में आएगा ये क्या है मैं डॉक्टर मेघना मैम से क्वेश्चन करना चाहती हूँ जैसे ये फिल्म का नाम है दुकान तो एक महिला इतना दर्द उठा के किसी और के लिए बच्चे का जन्म देती है राइट तो ऐसा कोई गवर्नमेंट में रूल है कि कितनी बार वो सर्विसिंग कर सकती है yes. ये नया कानून आया दैट्स व्हाई से बहुत अच्छा तो उसमें एक ही बार लिखा है और एक कपल के लिए तीन बार जो IVF करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ना वो तीन बार एक लेडी में हो सकता है अगर वो तीन बार में सक्सेसफुल नहीं हुई तो दूसरी बार वो नहीं कर सकती और एक ही बच्चा कर सकती है सर्विसेज ओके Dr. Naina Patel, just to add to the question, do you think the stricter regulation on surrogacy in India, it is hampering the medical tourism which the country is promoting? And also looking at the context of Thailand, which is promoting itself and probably they are also planning to legalize same-sex marriage and all? Yes, medical tourism has been hugely affected by the serious stringent rules. Why surrogacy, even a simple IVF also. So there the relook is definitely needed. That like you are screening the Indian couple, if you start screening the foreign couple, if you start screening the surrogate properly, India can become a big name in surrogacy which is regulated, which is ethical, and which is the best in the world. The government should stop seeing surrogacy as taboo. Why is everything related to a woman's body a taboo in India? That is the thing that needs a stricter law, stricter. I think more than the government, I think people who need to, you know, normalize these things. That is, as a society, we need to normalize. Sir, पहले भी ऐसी movie आ चुकी है Vicky Donner है, Mimi है, तो आपको ये ऐसा इसे ख्याल कैसे आया इस movie के लिए? जी आपने ये Mimi से देखा, आपने trailer देखा, आपको Mimi की कोई जगह दिखी? कॉन्सेप्ट तो यही था नहीं सर इस मूवी में दुकान का लॉजिक मालूम नहीं पड़ा आप अच्छे देखे सर वही कहा सवाल में मैंने वही जवाब दिया कि इसमें दुकान का लॉजिक आपको तभी समझ में आएगा जब आप फिल्म देखेंगे दुकान तो यानी सर एक बिजनेस हो गया धंधा ही बोलते हैं हमारे गुजराती में धंधा बोलते हैं तो हमने तो ये कहा ही नहीं कि दुनिया ऐसे बिजनेस की तरह नहीं देखती दुनिया ऐसे बिजनेस की तरह जहाँ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो गया जैसे कि कैनेडा के अंदर आप यू कैन नॉट पे टू गेट अ सर्विस इन फॉर एग्जांपल इन इंडिया पे सर्विस ही कमर्शियल सर्विस इज अलाउड सो देन व्हिच इज व्हाई इट इज लुक्ड अपॉन एज अ बिजनेस बाय पीपल No, in fact, Canada and America, they can pay anything to the surrogate. Yeah. एक करोड़ तक पे कर सकते हैं They are officially allowing and they are not ashamed of it. And highest number of surrogacy in the world is happening in America. Lots of Indian couples who can afford 2 crores are now flying to America and getting surrogacy there. Same Canada mein hai. Any given type of money, business. Government mein abhi commercial surrogacy band kar di. They are saying altruistic, yani ki khushi se koi kare, haan. But you pay for the medicine. और एक्स्ट्रा एक्सपेंस जैसे सर्वे को करने रहना है बारी बारी से ऐसे चले ऐसे हां हां यहां से चलो अरे अरे मैडम